आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ, 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से, देखिए क्या हाल कर दिया है। 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा, कहां 60 लाख के बीच में ना बोल। ये बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से तरीका है कि पेट से ऊपर सोचने ही मत दो युवाओं को, जो रोजगार मांगे उसी को देशद्रोही कह दो। इनको आदत पड़ गई है किसी भी चीज पे ताली बजाने की। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला ठीक है, मैं बताता हूँ। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, मैं बस पूछ रही हूँ कितनों ने ताली बजाई। अंजना जी एक मिनट, एक मिनट पूरा की। अभी मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल पिता समान हैं त्यागी साहब, बड़ा बखान किया मोदी सरकार का। अब मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। अरे साहब एक, अब इतना घबरा क्यों रहे, अभी तो अलायंस चल रहा है आपका, घबराइए मत। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी, FDI बहुत आया, चाइना दो दो पुल बना के बैठा है, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई FD पे 4%, महंगाई 16%, व्यापार बहुत हो रहा है, मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट, FDI बहुत आ रहा, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई, 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सिस की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। नंगा करके नहला रहा, कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1,000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए, क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, FDI बहुत आ रहा है, भुखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी, भारतीय बताते। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? यही नहीं, अभी और सुनिए। आज बीजेपी के कार्यकर्ता एक मुसलमान को, एक जैनी व्यक्ति को जो मानसिक विक्षिप्त है, केवल इसलिए मार रहा है कि मुसलमान है, ये कांग्रेस ने किया क्या? 600% जो ADR की रिपोर्ट है कि हेट स्पीच बढ़ गई, ये कांग्रेस ने कर जवाब दीजिए सुधांशु। दूसरी बात, एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, कह लीजिए। मोदी जी कह रहे भाइयों बहनों मित्रों, रुपया ICU में चला गया है। अब वो कहां है रुपया? ICU से बाहर आ गया कि नहीं आया? टेलीप्रॉम्प्टर पे लटका हुआ है मोदी जी के वो रुपया।